नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब। आज हम एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी को लेकर असमंजस्य की भावना बनी हुई है, तो 22 या 23 नवंबर कब मनाएं? तो देवउठनी एकादशी 2023 22 या 23 नवंबर जाने सही तिथि, भूलकर भी ना करें यह एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में देवउठनी या देवोत्थान एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियमों के बारे में जानेंगे। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को देवशयन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद सोकर उठते हैं, 4 महीने के बाद शयन के बाद जागते हैं, इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में देवउठनी या देवउठान एकादशी कब है। पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियम क्या हैं। देवउठनी एकादशी 2023 में एकादशी व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर रात्रि 11:03 पर। एकादशी तिथि समापन होगी 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर। व्रत के पारण का समय 24 नवंबर प्रातःकाल 6:51 से प्रातःकाल 8:57 तक होगा। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम 7:06 पर होगी। देवउठनी एकादशी पूजा विधि, देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का समापन होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निंद्रा से बाहर आ जाते हैं और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण कर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु को जगाने का आह्वान करें। पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर घी का दीपक जलाएं, गन्ने का मंडप तैयार करें, विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान हरि को गन्ना सिंघाड़ा लड्डू ऋतु फल अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अंत में शंख व घंटा बजाकर भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी नियम, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी माता की।